السلام علیکم. حقانی در اسے اللہ 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 اب کیا چاہیے ہم لوگوں کو؟
अब उसके बाद मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह कुछ दिन रह जाते हैं, बहुत लंबी कहानी है, कुछ दिन रह जाते हैं। उसके बाद उनके घर से खत आता है, चिट्ठी। उनकी माँ का खत आया, कहा कि मेरा भी हक है मेरे औलाद के साथ। कहा कि बाबा आपको बाल बच्चा है क्या? मुर्शिद नहीं जानता है क्या? मुर्शिद दिल की बात को जानता है। मुर्शिद से क्या छुपा हुआ है? हम लोग इधर उधर जाते हैं, मुर्शिद से कोई चीज छुपा नहीं है, चाहे वहां रहो चाहे वहां रहो चाहे यहां रहो। उसके बाद जो है कहे कि ठीक है बाबा आप घर जाओ। दो ठो वजीफा दिया मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह को, कहा कि एक अपने बाप को दे देना, एक अपनी माँ को दे देना, और चुन लेगा सीधा जन्नत। ऐलान कर दिया मुर्शिद ने, आज हम लोग इधर उधर जाते हैं मेरे भाई, ऐसा मजलिस नहीं मिलेगा, न ऐसा वजीफा मिलेगा, न ऐसा मुर्शिद मिलेगा। हाँ कानू दुरु शरीफ अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम से कहा तुम मेरे दोस्त से मिलो। मूसा अलैहि सलाम ने कहा है अल्लाह ताला मैं तो नबी हूं। कहा कि नहीं तुम मेरे दोस्त से मिलो। अब उसके बाद कहते हैं मूसा अलैहि सलाम ने कहा है अल्लाह ताला कितनी दूरी है? कहा कि 500 बरस। 500 बरस की दूरी है मूसा अलैहि सलाम। अब मूसा अलैहि सलाम परेशान है, कहा कि अल्लाह ताला आपके यहाँ कोई दूरी नजदीकी माने नहीं रखता है। कहा कि चलो 5-6 कदम चले थे, एक समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। ये देखे अलिया अल्लाह, अब क्या चाहिए? अलिया अल्लाह, अल्लाह का दोस्त। उसके बाद जो है मूसा अलैहि सलाम जब समुद्र के किनारे पहुंच गए तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, अरे मूसा इसी पानी के सतह पर मेरा दोस्त रहता है। अब उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम या अलिया अल्लाह, जवाब नहीं आई। 3 बार कह दिया। कहा कि ये अल्लाह ताला आपका कैसा दोस्त है जो सलाम का जवाब नहीं देता है? कहा कि मूसा आप सलाम करो। कहा कि अस्सलाम वालेकुम या औलिया अल्लाह, उन्होंने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम मूसा कलीमुल्लाह। एक अलिया उसके बाद हक्कानी गुरु से शरीफ के बारे में सुनने बोल दिए हैं, हमको कुछ आता नहीं, बोलने में गलती हो गई तो माफ करेंगे। एक आदमी चलते फिरते दरूद शरीफ पढ़ता था, ए मुर्शिद ऐलान कर दिया, जन्नत का रास्ता बना दिया, जन्नती बना दिया। और उसके बाद जो है कहा कि वो हर दम जो है दरूद शरीफ पढ़ते थे, उनका वीर्य था दरूद का पढ़ना। अब उनके दिल में आया कि चलते हैं हज करने के लिए। उसी वक्त में कहा जब चलते हैं, उनका लड़का उनके साथ था, उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उनका इंतकाल हो गया, उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद जो है चेहरा खूब भयानक हो गया, देखने के लायक नहीं था। जिस वक्त इंसान दरूद शरीफ पढ़ के पूरा करता है, वो दरूद शरीफ कहता हुआ जाता है कि मैं फलाने का लड़का, फलाने का मैं दरूद हूँ, ऐलान करता हुआ जाता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजार शरीफ पे। आज मुर्शिद कितनी बार पढ़वाता है लोगों से, दिन भर में कितना बार पढ़वा देता है। कोई ऐसा मजलिस नहीं है जहाँ इतना दरूद शरीफ पढ़वाया जाता हो। अब जब उसके बाद जो है क्या देखते हैं कि कोई चला आ रहा है, दर्द भी हो रही है। उसके बाद जो है चेहरे को खोल दिया, अपने हाथ में मुबारक फेर लिया, चेहरा सूरज की तरह चमकने लगा। अब जो है जब जाने लगे तो दामने मुबारक पकड़ लिया लड़का, बताएं कि आप कौन है? कहा कि मैं ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। अब उसके बाद बगल वाले गांव में जाते हैं तो क्या कहा, आज उसके जो जनाजे में शिरकत करेगा वो जन्नती हो जाएगा। आज मुर्शिद का कितना
हम लोग फैसला कर दे कितने को जन्नती बना दिया। हक्कानी बहुत बड़ा एहसान है। हक का नहीं,